कार्तिक का बॉल के साथ अपना किताबों फेंका है। बदमाशी इतना करने लगा है ना। बॉल बॉल कार्तिक, और उधर कॉपी है, रबर बैंड है, आई कार्ड है तुम्हारा, ए बॉल ग्रीन वाला उठाओ आराम से, एक एक और रबर बैंड है वो उठा लो, अच्छा छोड़ो। और वो क्या है व्हाइट कलर का, कुछ किसी चीज का पीछे का है क्या, एसी उसी का, वो क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बाबू कितना सारा चीज सब फेंक दिया था, ये रेगुलर का काम है इसका कि कभी कुछ फेंक देता है कभी कुछ फेंक देता है। वो सामने में जो है तो वो पड़ोसी वो देखती हैं तो फिर बता देती हैं, और अदरवाइज फिर अगर दूसरे साइड फेंकता है तो वो तो खुद ही देखना पड़ता है, क्योंकि दो तरफ बालकोनी है, एक तरफ फ्लैट है दूसरी तरफ रोड है, तो रोड पे कोई चीज गिरता है तो गाड़ी आती है तो वो तो खैर खराब हो जाता है, लेकिन इस तरफ गिरता है और वो देखती हैं तो बता देती हैं। तो वही बताएं कि बहुत सारा चीज कॉपी किताब बहुत सारा फेंक दिया है, तो ये था। और उसके बाद फिर ये मतलब कि 3:30 बजे के लगभग बहुत बारिश हुई थी, तो वही मैं कह रही थी कि बारिश से पहले आ गया, कॉपी किताब फेंक दिया तो मतलब आ गया सूखे सूखे, और नहीं तो फिर सब गीला गीला फिर कौन लाता, इतनी बारिश हुई थी। और यहाँ पे कार्तिक और उसका फ्रेंड खेल रहा है, और मैं कार्तिक को सुबह के लिए पास्ता बना रही हूँ, और बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में तो कुछ मज़ेदार तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे सुबह के लिए पास्ता उबलने दी हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज्जा, जो कि मौसम को देखते हुए सबको खाने का मन कर गया, तो बस ये सिंपल है, जैसे पिज्जा पास्ता पिज्जा सॉस में ब्रेड पे लगाई हूँ, और उसके बाद फिर कॉर्न और ओनियन टोमेटो जो भी सब्जी है थोड़ा थोड़ा सब मैं डाल दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छे लगे और खाने में टेस्टी लगे, तो इसकी वजह से। और मुझे कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और यहाँ पे चीज़ भी मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग को पसंद नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा ही चीज़ डालूँगी। और ये देखिए पास्ता पिज़्ज़ा सीजलिंग है, तो ये भी मैं डाल दे रही हूँ, ये स्पेशली मैं लाई थी कि कभी कभी बनाने के लिए होता है ना तो रहना चाहिए। और ये है चिली फ्लेक्स, इसे भी मैं लेके आई थी, वैसे मेरे यहाँ यूज बहुत कम होता है क्योंकि कई बार मैं लाई हूँ और पड़े पड़े वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए लाती बहुत कम हुई, इस बार बहुत छोटा वाला पैकेट दिख गया तो मैं ले आई। और यहाँ पे हमारा पास्ता जो है उबल रहा है, तो इसे छान करके और रख लूँगी, क्योंकि कल कार्तिक का फरमाइश है कि हमें पास्ता ले जाना है लंच में, मैं बोली ठीक है। और यहाँ पे तवे पे थोड़ा सा रिफाइंड में डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर इसमें बहुत मीडियम फ्लेम पर, मीडियम नहीं लो फ्लेम पर कहिए, क्योंकि ब्रेड है और जल जाएगा, तो इसकी वजह से लो फ्लेम पर ये मैं सेक ली हूँ, और ये बहुत अच्छा सिका है और एकदम इतना बढ़िया क्रिस्पी हुआ है, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको पिज्ज़ा की क्रेविंग हो रही है, बहुत हैवी नहीं खाना है, तो ये छोटे छोटे से ब्रेड वाले पिज्ज़ा खा सकते हैं, क्रेविंग भी बंद हो जाती है और काम भी चल जाता है कम कैलोरी में, तो चीज़ों को जितना छोटा करके हम लोग खाते हैं ना उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि कार्तिक कभी कभी कहता है कि मुझे लंच में एक ही रोटी दीजिए, तो मैं उसे सिर्फ एक ही रोटी देती हूँ, लेकिन वो बड़ी रोटी देती हूँ, लेकिन दो रोटी देती हूँ तो छोटे छोटे देती हूँ, तो यही है कि डिपेंड करता है। और ये तैयार हो गया हमारा, ये देखिए शाम में मैंने साफ नहीं किया और किचन का हालत इतना बुरी तरीके से ख़राब है, आज बहुत बारिश हुई है और मेरी मेड नहीं आई है, तो इसे समेटते हैं और फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो अभी टाइम जो हो रहा है वो 6 बज रहा है, 6:30 हो रहा होगा, और बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश आपने देखा ही, तो इसकी वजह से मेड नहीं आई, बोली कि दीदी कैसे आऊँ मैं, सो हर जगह पानी है, मैं बोली ठीक है कल आ जाना।
तो ये सारा चीज़ बनाने में फैलता ही है, और मैं उसका इंतज़ार भी कर रही थी तो आई नहीं, तो सारा चीज़ मैं समेटती हूँ फटाफट से, और उसके बाद फिर काम, फिर रात के खाने की तैयारी करती हूँ। और ये है मेड के नहीं आने का, मतलब मेड के नहीं आने का नहीं, बारिश होने का नुकसान है कि अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना, तो ये नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है कि बहुत सारा काम जो है वो बिना सोचे आ जाता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, काम है तो करना तो है ही। तो यहाँ पे मैं पूरा मतलब कि चूल्हा वगैरह सब पोछ ली थी कि ताकि मुझे रात में बस खाना बना कर और फिर ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना पड़े। तो फटाफट सब पोछ लेते हैं और फिर अपना आगे का काम करते हैं। तो सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं और अब मैं आराम से सुकून से रात के खाने की तैयारी कर सकती हूँ, क्योंकि किचन गंदा रहता है तो खाने का और खाना बनाने का मन भी नहीं करता है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को, अपनों का ख्याल रखिए।